कि भाई सब बराबर रहे, सब साथ रहे, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? मतलब मैं समझना चाहता हूं कि अगर ऐसा कोई बयान देश के प्रधानमंत्री की तरफ से आता है कि भाई हम सबको मिलकर रहना है, साथ रहना है, तो किसी भी दल को इसमें क्या आपत्ति दिखाई देती है, मैं ये समझना चाह रहा था। रवि जी देखिए, आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया। आप चाहते हैं ना कि पूरा देश एक रहे। मैं देखिए, हिंदुस्तान वैसे भी अनेकता में एकता का प्रतीक है। हिंदुस्तान का लोहा ना सिर्फ हिंदुस्तान वाले बल्कि पूरा विश्व मानता है कि हिंदुस्तान के ऊपर अगर खुदा ना खास्ता या भगवान ना करे अगर कोई आ जाए तो पूरे हिंदुस्तान का एक एक नागरिक किसी क्षेत्र, किसी वर्ग, किसी धर्म, किसी समाज का हो, किसी के डायलॉगबाजी से, किसी के बतौलेबाजी से या किसी के जुमलेबाजी से जो है वो सेफ, या हम एक नहीं है, हम पहले से एक है। और ये हम नहीं मानते, हिंदुस्तानी तो मानते ही मानते हैं, ये पूरा पूरा विश्व मानता है इस चीज को, पूरा विश्व हमारे हिंदुस्तानियों का लोहा मानता है। लेकिन देखिए, रहा सवाल कास्ट सेंसस का, आपने कहा ना कि अगर आप कोई पॉजिटिव पॉलिसीज या अफर्मेटिव पॉलिसीज या अगर आप आर्थिक और सामाजिक स्तर पर उनके सुधार लाना चाहते हैं, बराबरी लाना चाहते हैं, आज की तारीख में आप बता दीजिए देश के चंद उद्योगपति जो है पूरे हिंदुस्तान वासियों पर राज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो हम तो चाहते हैं ना कि आप सामाजिक और आर्थिक आधार पर अगर आप कोई पॉलिसी बनाना चाहते हैं तो पॉसिबल तभी है जब आप कास्ट सेंसस कराइए। जब आप कास्ट सेंसस कराएंगे तो बहुत सी चीजें निकल करके सामने आ जाएगी और साथ ही साथ उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति भी निकल करके सामने आ जाएगी। और देखिए, ये हमारा हिंदुस्तान लगा जो है जिस तरीके से डायलॉगबाजी और बतौलेबाजी और जुमलेबाजी, आज की तारीख में आपको हिंदुस्तान की द्योतुल्य जनता ने जन कल्याणकारी नीतियों के लिए आपको रखा है कि आप जनता के हित में आप क्या कर सकते हैं, देश हित में आप क्या करेंगे। और रहा सवाल देखिए, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जो है वो कच्छ गए, वहां पर सैनिकों के साथ उन्होंने दिवाली मनाई, हर बार जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे आदरणीय नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी देश के पहले ऐसे रक्षा मंत्री थे जो हाईएस्ट बैटल फील्ड सियाचिन जाकर के उन्होंने, ठीक है दीपक जी, और हमने ये भी देखा कि देखिए आप पर विपक्ष पर लगातार अर्बन नक्सलवाद के जरिए बांटने का भी आरोप लग रहा है, इस पर भी बात करेंगे, आएंगे इस पर। लेकिन इस बीच हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सर भी आपको देखिए टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। रामकृपाल जी देखिए, सवाल यही है कि बटेंगे तो कटेगा, जो कटेंगे का जो नारा है और जो बयान है वो हमने जमकर देखा, जिसका इस्तेमाल किया गया और ये बयान दिया गया सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। और हरियाणा में जो लग रहा था कि कांग्रेस बहुत मजबूत है, एक तरफा जैसा लग रहा था, लेकिन हुआ क्या, जब परिणाम निकल कर आया तो ऐतिहासिक जीत, लगातार तीसरी बार जीत मिली और ऐतिहासिक बीजेपी को जीत मिली। क्या अब ये जो बयान दिया गया एकता दिवस पर प्रधानमंत्री की तरफ से, एक है तो सेफ है, इसका एक बड़ा मैसेज पॉलिटिकल जाता हुआ नजर आएगा, खास तौर पर अगर हम झारखंड और महाराष्ट्र के इलेक्शन के लिहाज से देखें? निश्चित रूप से, और मैं ये कहूंगा कि योगी जी ने जो एक बात कही थी जिसको कहते हैं, हम लोग कई बार कहते हैं लठमार भाषा में, कई बार अपनी सच भी जब बोला जाता है तो कहा जाता है कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन योगी जी का जैसा है कि उन्होंने साफ तौर पर बात की, उसी बात को चाहे मोदी जी हो, संघ के भागवत जी हो या इवन अखिलेश जी, सारे बड़े नेता एकता की बात कर रहे हैं। आज जो अभी समाजवादी पार्टी का आपने नारा दिखाया था उसमें क्या है, एक होंगे वो क्या कुछ है ना, एक बिल्कुल आएंगे सर इस पर भी, एक रहेंगे तो हाँ जीतेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, बिल्कुल जुड़ेंगे, तो जुड़ने की बात तो हर आदमी कर रहा है। सवाल इस बात का है कि जैसा भाई हमारे दोनों मित्रों ने कहा, प्रशांत जी ने भी और रंजन जी ने भी, एक मैं केवल बात बताना चाहता हूं, हम लोग बचपन से जब से है तब से सुनते आए हैं कि आवाज दो हम एक है, अनेकता में एकता, ये तो विविध रंग की बात है। माओ से तुमने कहा था चाइना में जब बहुत बड़े कि हजारों फूलों को एक साथ खिलने दो, तो एकता की, कोई भी लीडर होता है जो राष्ट्रीय स्तर पर होता है वो चाहता ही है कि देश एक रहे। कोई भी, मैं नहीं मानता कि किसी के दिल में होता है कि देश के टुकड़े हो जाए, देश कमजोर हो जाए, ऐसा मैं नहीं मानता जो रहा। लेकिन क्या होता है जब इन नारों को वोट के खातिर इस्तेमाल किया जाता है तो उसके अर्थ बदल दिए जाते हैं। एक ही नारा है लेकिन किसके लिए कहा जा रहा है कि कौन कौन एक हूं। तो मोदी जी ने एक जो बहुत रफ बात कही गई थी उसको बड़े एक सोफिस्टिकेटेड ढंग से, बल्कि उसकी एक पैकेजिंग कर दी है बड़े साफ शब्दों में और बड़े कोमल शब्दों में। उन्होंने क्या कहा है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, और शुरू से 14 से उनका यह नारा है कि सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास, सबका योगदान, जो भी है तो उसमें सभी आते हैं। लेकिन अब समझने की बात यह है
कि जब ईमानदारी की बात है कि जब धर्म के नाम पे बंटवारा, जाति के नाम पे बंटवारा, अभी हमारा समाजवादी मित्र बहुत कुछ बता रहे थे, मैं सन 74 के उस जेपी आंदोलन से बहुत नजदीक से मैं जुड़ा हुआ था जी। और ये जितनी समाज, चाहे एसपी कहिए, जनता दल कहिए, फलाना कहिए, जितनी पार्टियां सामाजिक आंदोलन की, ये सारी पार्टियां जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से निकली हैं। मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, जितने भी उस दौर के रहे, और इन्हीं लोगों का नारा था, जेपी का नारा था, जाति तोड़ो, दाम बांधो, जनेऊ तोड़ो, यानी जाति जातिवाद के खिलाफ एक होकर के जेपी का नारा था। आओ कृषक श्रमिक नागरिको इनकलाब का नारा दो, उसमें वर्ग था, जाति नहीं थी। आओ कृषक श्रमिक नागरिको इनकलाब का नारा दो, गुर्जर शिक्षक बुद्धिजीवियों अनुभव वाला सहारा दो, फिर देखें हम सत्ता कितनी बर्बर है, बौराई है। तो सन 74 से लेकर के 2014 तक, ठीक है, बीच में वाजपेयी रहे होंगे, आप ही लोगों की सरकारें थी, किसने मना किया था? वो ऐसा कब मौका आया जब जाति तोड़ो से जाति गिनो की नौबत आ गई, वो नौबत कब आई? और इंदिरा गांधी भी थी जिनके दौर में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आ गई थी, लेकिन उन्होंने नहीं इंप्लीमेंट किया। राजीव गांधी आए, उन्होंने नहीं किया। राजीव गांधी ने तो लोकसभा में भाषण भी दिया कि हम किसी भी तरह के जाति, मतलब इस तरह जातियों के बिल्कुल खिलाफ थे। तो मेरा ये कहना है कि अगर अब आप एक नई चीज करना चाहते हैं जाति जनगणना, कोई बात नहीं है, जनगणना होने जा रही है, आप लोग संसद ही कानून बनाती है, सारी पार्टियां मिलकर के उसमें क्लास करवा दें। तो ये रामकृपाल सर, इस सब की सारी जो ये एक आदर्श व्यवस्था को लेकर एक जो आदर्शवादी राजनीतिक बातें हैं या बहस है, उन सब के पीछे, इन बयानों के पीछे एक इंटेंशन पर हमेशा से प्रश्न रहा है, और दरअसल ये सारा खेल उसी का है, चाहे आप जाति जनगणना करा रहे हो या फिर एकता का संदेश दे रहे हो, उसके पीछे का इंटेंट क्या है और कौन किसे कैसे रिसीव कर। हम लौटेंगे आपके पास।